हेलो मेरे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं हूँ रजनीकांत और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केटर, एक एंटरप्रेन्योर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो आप मुझे, और एक फुल टाइम स्टिल एन एम्प्लॉय, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल टाइम। सो बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं और इस चैनल पे हम बेसिकली डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जैसे कि कॉपी राइटिंग। और क्विकली बता दूं मैं, कॉपी राइटिंग, वेब डिज़ाइन, PPC एडवर्टाइजिंग, जैसे कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स वगैरह, तो इन चीज़ों की हम बात करते हैं जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है, डिजिटल से रिलेटेड है। और जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, आप अभी ये मेरा आई थिंक 366th वीडियो है, यानी 366वां वीडियो। पिछले साल यानी कि 2022 में मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं हर दिन एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा पूरी एक साल तक, और वो चैलेंज फॉर्चुनेटली मैंने कंप्लीट किया था। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मैं इनएक्टिव हो गया था, यूट्यूब पे इनएक्टिव हो गया था, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, और इसमें से कुछ सो कॉल्ड रीजंस भी हैं टू बी जेन्युइन। बिकॉज आप इस चैनल पे मेरे पुराने वीडियोज़ कुछ देखोगे तो मैं ना सिर्फ मार्केटिंग की बात करता हूँ, बल्कि मैं मार्केटिंग से रिलेटेड मोटिवेशन या कह लें इंस्पिरेशन की भी बात करता रहता हूँ, राइट? तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था मैंने, वीडियो क्रिएशन वगैरह मेरा बंद हो गया था। इनफैक्ट ये नहीं कहूँगा कम हो गया था, बंद हो गया था, वो चैलेंज कंप्लीट हुआ था उसके बाद से। तो उसके बाद से कई सारे अपडेट्स हैं मेरे मार्केटिंग जर्नी में भी, या फिर कह लें डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में भी, और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो क्विकली मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आई थिंक काफ़ी लगाव महसूस करते हैं मेरे साथ, और जो नए हैं आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में। सो पहले बात कर लेते हैं मार्केटिंग यानी कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। तो वो ये है कि जॉब के कुछ सर्कमस्टांसेज यानी कि कुछ हालात ऐसे बने जिसकी वजह से मैं वीडियो क्रिएशन वगैरह कंटिन्यू उतने उस तरीके से नहीं कर पाया, बट अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वंस अगेन। और मेरा फोकस जो है शिफ्ट हो गया था फ्रॉम फ्रीलांसिंग, जो कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, टाइम की वैसी अवेलेबिलिटी थी, वैसी जगह थी जिसकी वजह से मैं फ्रीलांसिंग कर पा रहा था, क्लाइंट्स वगैरह से मीटअप कर पा रहा था और रिजल्ट्स वगैरह भी कुछ जनरेट किया था मैंने, राइट? लेकिन उसके बाद से सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे ब्लॉगिंग पे शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है, ब्लॉगिंग पे शिफ्ट करना पड़ा। ऑफ कोर्स ब्लॉगिंग आप लोग जानते होंगे कि वन ऑफ द वेज़ है जो कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और अभी इसका ट्रेंड थोड़ा सा और बढ़ा है रिसेंट टाइम में ब्लॉगिंग का, राइट? तो इस पर मैं शिफ्ट कर गया था और कुछ साइट्स मैंने ब्लॉग साइट्स स्टार्ट करी हैं जिसमें कुछ ट्रैफिक वगैरह भी आ रहा है, अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। इनफैक्ट जो कि मैं अपने आप को एक बहुत ही अच्छे लेवल का ब्लॉगर तो नहीं बोलूँगा, बट पहले थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था और उसके बेस पे मैंने अगेन उसको कंटिन्यू किया, और कुछ SEO के टिप्स भी सीखे और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने ब्लॉगिंग से रिलेटेड। और अभी मेरे पास लगभग आठ आठ नौ साइट्स हैं, 8-10 साइट्स हैं जो कि रन कर रही हैं, और बहुत मिनिमल कंटेंट के साथ, मिनिमम कंटेंट आई थिंक एवरेज अगर देखे तो बिलो 10, 10 से भी कम पोस्ट पर साइट है। इसके बाद भी रैंकिंग उनकी आ रही है, कुछ बिलो 100 रैंक कर रही है, यानी कि सारी की सारी ही बिलो 100 कर रही हैं, अंडर 100, 100 के अंदर में। और बाकी कुछ ऐसी हैं जो कि दूसरे तीसरे पेज पे भी आ रही हैं, कुछ एक पहले एक साइट है मेरे पास जो कि पहले पेज पे एक कीवर्ड पे रैंक करती है गूगल में, इनफैक्ट कि पहले दूसरे नंबर पे करती है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा और थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात कर लूँ कि टिल फेब्रुअरी 2023, उससे पहले तक मैं सिंगल था, नाउ आई एम नॉट अ सिंगल इन अ सिंगल पीस एनी मोर, कह सकते हैं आप। यस, आई एम मैरिड, और इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हुई पिछले महीनों, आई मीन 2023 के स्टार्टिंग से। कुछ जॉब में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं और उसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया था।
तो हाँ, ब्लॉगिंग मैंने कंटिन्यू किया है, उसके कुछ रिजल्ट्स वगैरह भी मैं आपके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और साथ साथ फ्रीलांसिंग में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो भी सीखा है उन सभी चीज़ों को शेयर करूँगा। अच्छा, इस बीच में बता दूँ कि मेरी जर्नी बंद नहीं हुई थी, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ को कंज्यूम करना, सीखना अच्छे अच्छे लोगों से जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उनके साथ सीखना, उनसे सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये मेरा साथ साथ चल रहा था। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में एक और एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली मेरे डिजिटल करियर में जुड़ चुका है, और वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। यस, मैं अपने आप को एक प्रो लेवल का SEO नहीं बोलूँगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र नहीं बोलूँगा, बट स्टिल एक इंटरमीडिएट लेवल की स्किल तो लगभग आ चुकी है, ये कह सकते हैं, करते करते चीज़ों को आ चुकी है, राइट। तो ये कुछ अपडेट्स थे। और एक चीज़ मैंने देखा कि मैंने एक सोर्स डाला था ब्लॉगिंग से रिलेटेड इस चैनल पे, और उस पर आई थिंक 75,000 प्लस व्यूज़ हैं, और बहुत सारे कमेंट्स में भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी। तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉगिंग में बहुत सारे लोग ट्राई करना चाहते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ब्लॉगिंग में, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अपने साइट्स के बारे में भी थोड़ा सा, उसके ट्रैफिक वगैरह क्या स्टेट्स रहे हैं, कितना टाइम हुआ स्टार्ट किए हुए और कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या टारगेट है, और बेसिकली सारी की सारी मैक्सिमम साइटें जो है वो माइक्रो निश में स्टार्ट करी हैं मैंने, और एक मैंने अपनी पर्सनल साइट जो है hindimarketer.com ये भी मैंने शुरू किया है, जो कि कंटिन्यूसली चलेगा। और यकीन मानिए कि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी ऐसी लेके आने वाला हूँ। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मेरे को अभी कुछ महीनों में फैसिनेट किया है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में वो टॉपिक है, आप लोग भी जानते हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ख़ास करके ChatGPT के आने के बाद से बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट आया है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में भी। आप लोग उसको ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा चेंज आया है, और उस पॉजिटिव चेंज भी है, और जो उस चेंज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा या नहीं बिठा पा रहा है, उसके लिए वो नेगेटिव चेंज भी है। तो आप लोगों के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर चला है, जैसे कि ChatGPT, गूगल बार्ड वगैरह, तो उसका कैसे आप इस्तेमाल करोगे, कैसे उसके साथ आगे बढ़ोगे? क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब कोई बड़ा चेंज आता है दुनिया में या कहीं पे भी, किसी भी चीज़ में कोई बड़ा चेंज आता है, तो उसके साथ दो चीज़ें होती है। पहली कि उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है, और एक बहुत बड़ी एडवर्सिटी भी छुपी होती है। जैसे कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो AI के आने से, जैसे जितना लोग डर रहे हैं कि भाई जॉब चली जाएंगी, कॉपी राइटिंग तो वो खुद ही कर देगा, कॉपी राइटर की जॉब चली गई, ब्लॉगिंग डेड हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें लोग बोल रहे हैं, ठीक है। बट मैं बोलता हूँ कि अगर आप उसको सीख लेते हो, उस चीज़ को इस्तेमाल करना सीख लेते हो, तो ये आपके लिए एडवर्सिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये बड़ा चेंज है, और इस बड़े चेंज के साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हो, AI को तरीके से समझ लेते हो, तो यकीन मानिए जो ग्रोथ आप AI के पहले वाले दौर में 2 साल में अचीव करते, वो हो सकता है कि आप 6 महीने में अचीव कर लो, या इससे भी कम में अचीव कर लो। तो ये बड़ा चेंज है। अब इस बड़े चेंज को आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसके साथ तालमेल बिठाएंगे, कैसे सिंक्रोनाइज़ करेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट ग्रो करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड भी मैं शेयर करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्दी। और मेरा कंटिन्यू हो रहा है हर दिन का एटलीस्ट 1 वीडियो चैलेंज वंस अगेन। ओके, सो सी यू एवरीवन, बाय।